पब्लिक टीवी आपकी आवाज। धोखा बंद करो, बंद करो, बंद करो। शहर की सफाई व्यवस्था थोड़ा पीछे तो कर लो, पहले बंद करो, बंद करो। नगर आयुक्त मुर्दाबाद, लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर आयुक्त 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजबूरी में आए हुए, मतलब क्या गंदगी में जीने पे मजबूर है ये लोग। ना इधर तब पीली पोटी के कैम कार्यालय नियम में आप देख रहे हो स्मार्ट सिटी का एक बड़ा नारा दे रहा। हम लोग ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा, खुलेआम भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहा। जगह जगह गंदगी, नालों में लगातार आप देखो तोड़फोड़, सड़कें टूटी हुई, नाले भरे हुए, गंदगियाँ, सड़कें नहीं बनना। हर जन के ये हमारे ढक्का के क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, एक साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं, विधायकों तक को, हमारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको भी लिख के दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लिख के दे रहे हैं, मेयरों को, मेयर महोदय को लिख करके दिए जा रहे हैं। आज इसी तरह से हमारे साथ पीतल नगरी क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, बालाजी के क्षेत्र, बालाजी मंदिर के क्षेत्र के लोग हैं, कोठीवाल नगर, पूरे महानगर में जहाँ जहाँ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लोगों से मिलकर के बात करी है, उसमें ये बात आई है कि नगर निगम के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा, हाउस टैक्स के नाम पर आप समझ लो भ्रष्टाचार हो रहा, हाउस टैक्स की रसीदें बनाई जा रही हैं और आपका उसको कम करने के लिए यहाँ पर एक पूरा गैंग चल रहा, जिस गैंग के माध्यम से हाउस टैक्स बढ़ा करके और उसको कम करके दिया जा रहा है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार है। और नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर एक जो बड़ा जो नारा दिया जा रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद में ये आपके नगर निगम के अधिकारी और मुख्य रूप से MNA महोदय, ये सब मिलकर के एक बड़ा इसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों की सुनवाई किसी तरह नहीं हो रही। आज शिवसेना इसीलिए आई है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसे रोका जाए और क्षेत्र के लोगों की जो सुनवाई है, आज महिलाएं आई हैं, ढक्का के क्षेत्र में पानी भर रहा, पीतल नगरी क्षेत्र में पानी भर रहा, डबल फाटक क्षेत्र में, काशीराम क्षेत्र में, हर जगह यही स्थिति है। तो नगर निगम किस तरह से टैक्स वसूला क्या कर नहीं, नगर ने हमारी शिवसेना ही मांगे पूरी नहीं, तो हमेशा आर पार की लड़ाई लड़ती है शिवसेना और इसमें आज नगर निगम को जवाब देना पड़ेगा। MNA या मुख्य रूप से हम यहाँ बैठने के मन से आए, हम सिर्फ ज्ञापन देने के मन से नहीं आए। जय भवानी, जय श्री। मेरे सामने पूरा प्रकरण आया है, अपर नगर द्वारा ज्ञापन लेकर के लोगों से बात की गई है, कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं और जो फोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाए हैं और जो पोस्टर दिखाए हैं उनको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कुछ स्थानों पर शहर में अभी कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन उन्हीं फोटोग्राफ से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि ये फोटोग्राफ खाली प्लॉट्स के हैं। खाली प्लॉट्स की सफाई की जो जिम्मेदारी है मूल रूप से प्लॉट के स्वामी की है और अगर वहाँ वो गंदगी इकट्ठा होने देते हैं तो इसके लिए पेनल क्लॉजेस हैं, उनके ऊपर भारी से भारी जुर्माने का प्रावधान है। बहरहाल जो भी सूचना लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से दी है, मैंने आज ही इसमें त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीम जाकर के मौके का सत्यापन करेगी और जो भी
कार्यवाही इसमें आवश्यक होगी, हम जल्द इस तरह पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।